देखिए, इंग्लिश में एक वर्ड है आपका इंटेंशन, INTENTION, इंटेंशन। क्या है ये? देखिए, इंटेंशन कोई प्लान हो सकता है, कोई इरादा हो सकता है, जो नियत में कुछ है, किसी पर्सन के नियत में कुछ है वो करने का इरादा हो सकता है, ये कोई मकसद हो सकता है, एम हो सकता है, कोई लक्ष्य हो सकता है, कोई मुद्दा हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है, उसको हम इंटेंशन बोलते हैं। मतलब इंटेंशन इज़ अ प्लान और पर्पस ऑफ समबडी, व्हाट ही और शी वांट्स टू डू, इट मे बी एम और समथिंग एल्स। हिंदी में अर्थ होता है इंटेंशन का इरादा, आशय, नियत, प्रयोजन, अभिप्राय, लक्ष्य, मंसूबा, मुद्दा, उद्देश्य, विचार या मंतव्य। और इसके सिनोनिम्स आते हैं प्लान, पर्पस, टारगेट, गोल, ऑब्जेक्टिव, मोटिव, इंटेंट, आइडिया एंड ETC। मतलब और भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। चलिए इंटेंशन शब्द को एग्जांपल के साथ में सेंटेंसेस में यूज़ करके और भी अच्छी तरह से समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे जब हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि हर इंटेंशन इज़, उनका इरादा है, मकसद है, मंसूबा है टू रन फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन, मतलब प्रेसिडेंट इलेक्शन में लड़ने का, इन कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में, मतलब आने वाले सालों में उन्होंने अपना इरादा प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने का रखा है, जाहिर किया है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हो जाएगा इसी से रिलेटेड आपका, कि दिस शोज़ हर फ्यूचर इंटेंशंस, इस बात से उनके भविष्य का इरादा पता चल रहा है या चलता है, मतलब दिस शोज़ ये दिखाता है हर फ्यूचर इंटेंशंस, उनके आने वाले भविष्य का इरादा। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इंटेंशन शब्द को हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एजुकेयर डेस्क।